नई दिल्ली की ये वारदात करीब 6 महीने पुरानी है, लेकिन अंजन की हत्या की ये गुत्थी तब तक अनसुलझी रही जब तक कि पुलिस के पास ऐसा सबूत नहीं आ गया जिसने पूरे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। पुलिस को एक ऐसा फुटेज मिला है जिसने अंजन के हथियारों पर से नकाब हटा दिया। हमारा दूसरा सवाल, अगला सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, और हमारा अगला सवाल है कि पांडव नगर हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ, कैसे पता चला इस हत्याकांड के बारे में। दरअसल कुछ महीनों तक पुलिस को अंधेरे में हाथ पैर मारने के बाद एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ जिसने न केवल अंजन की गुमशुदगी पर से पर्दा हटा दिया बल्कि उसके कातिलों की कारगुजारियों को भी उजागर कर दिया। अंजन दास की मौत के रहस्य पर से पर्दा उठने में करीब 6 महीने का वक्त लग गया और इस राज को बेपर्दा किया एक सीसीटीवी फुटेज ने। सीसीटीवी फुटेज ने कातिलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 6 महीने पहले 5 जून से हुई थी। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में स्थित रामलीला मैदान में पुलिस को कुछ बॉडी पार्ट्स मिले। इन बॉडी पार्ट्स का मिलना 5 दिनों तक जारी रहा। जब पुलिस ने इन अंगों के बारे में जानकारी के लिए पता करना शुरू किया तो उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने आसपास के इलाकों में किसी व्यक्ति के गायब होने की पूछताछ की तो भी उसका नतीजा सिफर ही रहा, लिहाजा उन्होंने इलाके में डोर टू डोर वेरिफिकेशन की शुरुआत की। 5 जून को रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक, तो शुरू में दो पैर, दो थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला, तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। करीब 6 महीनों की पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चला कि इस इलाके में रहने वाले अंजन दास पिछले 5-6 महीने से मिसिंग है। लेकिन जब पुलिस ने पता लगाया तो पता चला कि थाने में तो उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट ही दर्ज नहीं थी। ऐसे में उनका शक अंजन के परिवार वालों पर गहराने लगा, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। जब काफी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से सॉरी मिसिंग है। फिर पुलिस को मिलती है इस सीसीटीवी की फुटेज। इस फुटेज में जो कुछ नजर आया उसने दिल्ली पुलिस को चौंका दिया। इस सीसीटीवी की फुटेज में एक आदमी और एक औरत साफ साफ देखे जा सकते हैं जो एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों के हाथों में कुछ है जिसे ये दोनों बारी बारी से सामने नजर आ रही कारों के बीच से होकर एक हिस्से की टूटी दीवार के उस पार जाकर फेंक कर आ जाते हैं। पहली नजर में ये लगता है कि ये लोग आम लोगों की तरह किसी कूड़े को कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंकने जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वास्तव में वो लोग अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहे हैं। फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे, तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूनम और दीपक को गिरफ्तार किया है। पूनम अंजन की तीसरी पत्नी थी और पूनम का बेटा था दीपक। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि अंजन का एक परिवार बिहार में भी रहता था जहां उसके 8 बच्चे हैं। अंजन ने पूनम से दूसरी शादी की थी। पुलिस ने पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो आदमी था इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे। तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे और अभी भी कुछ कमाई का साधन ज्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था, तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे। पुलिस की पूछताछ में पूनम ने अंजन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और उसे शराब की लत थी, इसलिए उन दोनों ने मिलकर अंजन को मार डाला।
पुलिस ने इस मामले में शव काटने वाला चाकू बरामद कर लिया और साथ में पुलिस ने वो कपड़े भी बरामद कर लिए हैं जिसे आरोपी शव को ठिकाने लगाने के दौरान पहने दिख रहे हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।